आदरणीय सभापति जी, बालक बुद्धि में ना बोलने का ठिकाना होता है और न ही बालक बुद्धि में व्यवहार का कोई ठिकाना होता है। और जब ये बालक बुद्धि पूरी तरह सवार हो जाती है तो सदन में भी किसी के गले पड़ जाते हैं। ये बालक बुद्धि अपनी सीमाएं खो देती है तो सदन के अंदर बैठ करके आंखें मारते हैं, आंखें मारते हैं। इनकी सच्चाई आदरणीय सभापति जी अब पूरा देश समझ गया है। इसलिए आज देश इनसे कह रहा है, तुमसे नहीं हो पाएगा, तुमसे ना हो पाएगा। बैठिए माननीय सदस्य, प्लीज। ये तरीका संसद आदरणीय अध्यक्ष जी, तुलसीदास जी कह गए हैं, अखिलेश जी, तुलसीदास जी कह गए हैं, जूठई लेना, जूठई देना, जूठई भोजन, जूठई चबेना। तुलसीदास जी ने कहा है, जूठई लेना, जूठई देना, जूठई भोजन, जूठई चबेना। कांग्रेस ने झूठ को राजनीति का हथियार बनाया। कांग्रेस के मुंह झूठ लग गया है, जैसे वो आदमखोर एनिमल होता है ना, जिसको लहू मुंह पे लग जाता है, वैसे आदरणीय सभापति जी, कांग्रेस के मुंह झूठ का खून लग गया है। देश ने कल 1 जुलाई को फटाखट दिवस भी मनाया है। एक जुलाई को लोग अपने बैंक अकाउंट चेक कर रहे थे कि 8,500 रुपये आए कि नहीं आए। ये झूठ नैरेटिव का परिणाम देखिए, इसी चुनाव में कांग्रेस ने देशवासियों को गुमराह किया, माताओं बहनों को हर महीने 8,500 रुपये देने का झूठ, इन माताओं के बहनों के दिलों को जो चोट लगी है ना, वो श्राप बन करके ये कांग्रेस को तबाह करने वाली है। आदरणीय सभापति जी, ईवीएम को लेकर झूठ, संविधान को लेकर झूठ, आरक्षण को लेकर झूठ,
उससे पहले राफेल को लेकर झूठ, एचएएल को लेकर के झूठ, एलआईसी को लेकर के झूठ, बैंकों को लेकर झूठ, कर्मचारियों को भी भड़काने के प्रयास हुए। हौसला तो इतना बढ़ गया कि कल सदन को भी गुमराह करने का प्रयास हुआ। कल अग्निवीर को लेकर सदन में झूठ बोला गया। कल यहां भरपूर असत्य बोला गया कि एमएसपी नहीं दिया जा रहा। अध्यक्ष जी, संविधान की गरिमा से खिलवाड़, ये सदन का दुर्भाग्य है। और अनेक बार लोकसभा में जीत करके आए लोग सदन की गरिमा के साथ खिलवाड़ करे, ये शोभा नहीं देता है। आदरणीय सभापति जी, जो दल 60-60 साल तक यहां बैठा है, जो सरकार के कामों को जानता है, जिसके पास अनुभवी नेताओं की श्रृंखला, वे जब अराजकता के इस रास्ते पर चले जाए, झूठ के रास्ते को चुन ले, तब देश गंभीर संकट की तरफ जा रहा है, इसका सबूत मिल रहा है। आदरणीय सभापति जी, सदन की गरिमा से खिलवाड़, ये हमारे संविधान निर्माताओं का अपमान है, इस देश के महापुरुषों का अपमान है। देश के लिए, आजादी के लिए बलिदान देने वाले वीर सपूतों का अपमान है। और इसलिए आदरणीय सभापति जी, मैं जानता हूं आप बहुत सरदई हैं, आप उदार मन के मालिक हैं, आप संकट के समय भी हल्की फुल्की मुट्ठी मुस्कान के साथ चीजों को झेल लेते हैं। लेकिन आदरणीय सभापति जी, अब जो हो रहा है, कल जो हुआ है, वो गंभीरता से लिए बिना संसदीय लोकतंत्र को हम रक्षित नहीं कर पाएंगे। Hey, thank you for watching this on CNBC TV 18. Hope you liked it. For more such interesting news and updates, follow CNBC TV 18 on all the social media platforms.